चलिए बढ़ते हैं जरमुंडी की ओर, जहां प्रखंड के जरमुंडी थाना परिसर में चाइल्ड लाइन दुमका द्वारा चौकीदारों के बीच बाल विवाह, बाल मजदूरी इत्यादि बातों को लोगों के बीच जानकारी दी गई। इन सब चीजों से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है और उसकी जानकारी कहां देनी है, इन्हीं सब बातों को लेकर चौकीदारों के बीच एक बैठक कर चाइल्ड लाइन के अधिकारी जानकारी देने का काम किया। सेंटर कोऑर्डिनेटर मधुसूदन सिंह ने बताया, जो बच्चे गरीबी या फिर और किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को स्पॉन्सरशिप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। हम लोग आज थाना में चौकीदार एवं पुलिस कर्मियों के साथ एक मीटिंग रखे थे चाइल्ड लाइन के लिए, कि चाइल्ड लाइन भारत सरकार का जो एक कार्यक्रम है चाइल्ड लाइन, वो यह एक भारत सरकार का कार्यक्रम है और इसका टोल फ्री नंबर है 1098, जिसमें सारे बच्चे को सुविधा हेतु, जैसे बच्चे को संरक्षण देने हेतु सारी काम होती है। जैसे कोई बच्चा अकेला है, कोई बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, किसी बच्चे को रहने की आवश्यकता है, जैसे उसके माता पिता दोनों देहांत हो गए तो उस बच्चे का आश्रय की ज़रूरत है, तो ये सारे मुद्दों पर, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल विवाह, इस पर चाइल्ड लाइन काम करती है और इसमें जिला प्रशासन का हम लोग को पूर्ण सहयोग प्राप्त है, ताकि हम दुमका जिला को बाल श्रम मुक्त, बाल तस्करी मुक्त और बाल विवाह मुक्त बना सकें और हम बच्चे को सुरक्षा दे सकें। कोई बच्चा ऐसा होता है कि अनाथ होता है, उसको कोई रखने वाला नहीं है, तो उस समय हम लोग के चाइल्ड लाइन टीम क्या करती है, जैसे ही 1098 से कॉल आता है, हमारी टीम तुरंत पहुंचती है और उस बच्चे को संरक्षण देते हैं। उस बच्चे को फिर संरक्षण हेतु हम लोग उस बच्चे को अपने अंदर लेते हुए उसको CWC में प्रस्तुत करते हैं। CWC में प्रस्तुत करने के बाद बच्चे के हित में देखते हुए उसे उचित निर्णय लिया जाता है और उस बच्चे को अगर शेल्टर में रखने का आवश्यकता होता है तो उसको शेल्टर में रखा जाता है, या उसको फिर घर में माँ पिताजी के पास रखने की आवश्यकता है तो वहाँ भी भेजा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है लेकिन घर में गरीबी है, वो पढ़ नहीं पा रहे, तो उस बच्चे को हम लोग स्पॉन्सरशिप से जोड़ते हैं। स्पॉन्सरशिप में बच्चे को 2000 की राशि प्रत्येक महीना जाता है जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि वह बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सके और अपनी ज़िंदगी सुधार सके। हम लोग आज जो मीटिंग किए इन लोग भाई चौकीदार भाई के साथ, तो इनका मेरा मकसद मेन ये है कि यह संदेश गांव-गांव तक पहुंचे और इन लोग जब गांव स्तर पर बच्चे को देखे तो उसको बच्चे को गांव में ये फैलाए कि आपको बच्चे आधारित कुछ भी सुविधा संरक्षण की आवश्यकता हो तो आप 1098 में कॉल करें। क्या नाम है? मधुसूदन सिंह, सेंटर कोऑर्डिनेटर दुमका। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ TV खबरों की पड़ताल। नमस्कार।